गलती से भी एक अच्छा कॉलेज अगर चूज हो जाए तो कहीं ना कहीं कैरियर पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है या फिर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलने लगती है उस कॉलेज में, तो बहुत जरूरी है कि सोच समझकर कॉलेज का चूज करें। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव, आप देख रहे हैं रांची जोन। आज मैं आपको रांची के टॉप 10 कॉलेजेस का टूर कराने वाला हूं, कैंपस बताने वाला हूं कि कौन सा अच्छा है क्या नहीं है वो बताने वाला हूं। उसके अलावा आपको और भी रांची में बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं जहां पर लाखों लाखों का प्लेसमेंट मिलता है, उस कॉलेज के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में खासकर हम दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, फेमस कॉलेज और बेस्ट कॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फेमस कॉलेज के बारे में। सबसे पहले नंबर पर आता है गोसनर कॉलेज, जो रांची के सुजाता चौक से जस्ट बगल में ही सिचुएटेड है। यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 15,000 से 20,000 तक देने हो सकते हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट, यूजी, पीजी तीनों है। एंड नेक्स्ट फेमस कॉलेज है निर्मला कॉलेज डोरंडा, जो रांची के डोरंडा में सिचुएटेड है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अच्छा फैसिलिटीज भी देखने के लिए मिल जाएगा। यह कॉलेज जो है खासकर लड़कियों के लिए है। यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जैसे तमाम स्ट्रीम में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बात की जाए यूजी और पीजी की, तो आप यहाँ से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत ज्यादा फैकल्टी देखने को मिल जाएगा, चाहे वो बीबीए करना हो, चाहे वो फिजिक्स ऑनर्स करना हो, केमिस्ट्री ऑनर्स करना हो, बीए करना हो, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आप डिग्री ले सकते हैं। बात की जाए कैंपस की, तो कैंपस बेहद ही अच्छा है क्योंकि यह एक क्रिश्चियन कॉलेज है। कहा जाए तो बिल्कुल ये गलत नहीं होगा कि क्रिश्चियन कॉलेज ज्यादातर जो है बहुत अच्छा फैसिलिटीज देने में पीछे नहीं रहते हैं, जैसे कि सेंट जेवियर हो, चाहे वो और भी अलग अलग कॉलेजेस हो। अगला जो रांची का फेमस कॉलेज में से एक है वह है अमिटी यूनिवर्सिटी रांची झारखंड। यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहां पर आप जाएंगे तो आपको डिग्री तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको एक अच्छा प्लेसमेंट भी यहां पर मिल जाएगा क्योंकि यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसका कॉम्बिनेशन इंटरनेशनल भी बहुत ही अच्छा है। ये कॉलेज है कि मॉल है पता ही नहीं चलता है। पुराना कैंपस जो था इसका बिग बाजार के जस्ट आगे था, लेकिन इसका नया कैंपस अभी इसका के जस्ट बगल में बन रहा है। बेहद ही खूबसूरत इसका कैंपस है। और भी आगे बढ़ने से पहले प्लीज, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज रांची जोन को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो जरूर करें। इसलिए नहीं कि सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स बढ़ेगा, बल्कि आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्ट रह सके। तो आगे चलते हैं और हम लोग देखेंगे अभी संत पोल कॉलेज का कैंपस। संत पोल कॉलेज रांची के टॉप कॉलेजेस में से एक है क्योंकि यह कॉलेज बेहद ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अच्छा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर अगर आप एडमिशन कराते हैं तो आपको डिग्री मिल ही जाएगी, लेकिन आपको अच्छा अच्छा फैसिलिटीज भी देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे वो हॉस्टल हो, अच्छा लाइब्रेरी फैसिलिटीज हो, चाहे और भी बहुत सारे फैसिलिटीज हो। यह कॉलेज बहु बाजार में सिचुएटेड है। इंटरमीडिएट में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में एडमिशन लेने के अलावा भी आप यहां पर यूजी पीजी जैसे सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको आईटी करना है, बीसीए करना है, बीबीए करना है या फिर ऑनर सब्जेक्ट करना है तो आप यहां पर बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत सारे कॉलेज में पिछले बार इंटरमीडिएट का सेक्शन हटा दिया गया था, जैसे कि मारवाड़ी कॉलेज में ही इंटरमीडिएट का सेक्शन हटा दिया गया था, इसीलिए बहुत सारे स्कूल में जहां पर इंटर है वहां पर जो है कट ऑफ हाई गया था। तो इस बार जो है आप बिल्कुल सतर्क रहें कि आपको कहां एडमिशन कराना है, नहीं तो एडमिशन कराने में इस बार बेहद ही प्रॉब्लम होगा क्योंकि इंटरमीडिएट सेक्शन बहुत सारे कॉलेज में हटा दिया गया है और हटा दिया जाएगा। इसलिए अगर आप अभी से ही कॉलेज चूज कर रहे हैं तो कॉलेज चूज करने से ज्यादा आप अपनी परसेंटेज पर फोकस करें ताकि आपकी एडमिशन आसानी से हो जाए। उसके बाद हम लोग चलेंगे डोरंडा कॉलेज डोरंडा, जो रांची के डोरंडा में ही सिचुएटेड है। यह कॉलेज बेहद ही फेमस है, रांची के टॉप कॉलेजेस में से एक है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये न्यू बिल्डिंग है, आपको बेहद ही खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मिलने वाली है इस बार क्योंकि बेहद ही बड़ा कैंपस यहाँ पर बन रहा है। एंड नेक्स्ट जो फेमस कॉलेज में से एक है वह है मारवाड़ी कॉलेज, जो बड़ा तालाब के जस्ट बगल में ही सिचुएटेड है। यह मारवाड़ी कॉलेज रांची के टॉप कॉलेजेस में से एक है और बेहद फेमस भी है। यहाँ पर आप इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते थे, लेकिन अब का नहीं पता, अब शायद जो है इंटरमीडिएट कॉलेज में से हटाने का जो है गवर्नमेंट निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है। अब जो है कॉलेज में इंटरमीडिएट नहीं कराया जाएगा, बल्कि आपको इंटर करना है तो आप इंटर स्कूल में जाएंगे। तो ये कॉलेज भी बेहद ही अच्छा तरीके से फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराती है, चाहे वो एनसीसी करना हो, चाहे आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में हो, चाहे आपको
अच्छा रिजल्ट देने के मामले में हो। आपको मैं बता दूं कि मारवाड़ी वुमेन्स कॉलेज और मारवाड़ी बॉयज कॉलेज दोनों अलग अलग है, आपको अलग अलग कैंपस देखने के मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा संजेवियर कॉलेज रांची, जो रांची का ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के टॉप कॉलेजेस में से एक है। यहाँ पर आपको अच्छा एजुकेशन तो प्रोवाइड करा ही जाता है, अच्छा इन्वायरमेंट भी देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ में खेल कूद के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना हो, चाहे और भी अलग अलग चीजों में, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे मॉडलिंग हो, चाहे आपको और भी बहुत सारे फील्ड में जाना हो, तो आपको ये कॉलेज वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है जो बहुत ज़्यादा कॉलेज में प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। यहाँ पर कभी ना कभी प्रोग्राम सब होते रहते हैं, कभी ना कभी ओकेजन सब होते रहते हैं, यहाँ पर अच्छा गैदरिंग कर्मा बहुत सारे फेस्टिवल होते रहते हैं। यह कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। यहाँ पर आप इंटरमीडिएट के साथ साथ यूजी पीजी में डिग्री भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा एजुकेशन के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं अच्छा प्लेसमेंट भी देने का काम यह कॉलेज करता है। बात की जाए इसकी कैंपस की, तो इसकी कैंपस तो खास है ही, लेकिन उसके अलावा एडमिशन यहाँ पर कैसे कराए। यहाँ पर एडमिशन लेने में आपको बहुत ज़्यादा रोटी बेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि यह कॉलेज आपको इतनी आसानी से एडमिशन नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास अच्छा परसेंटेज होना बेहद ज़रूरी है। और उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा रांची के टॉप कॉलेजेस में से एक है, जहां मैं भी पढ़ता हूं। ये कॉलेज है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची झारखंड। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मतलब जिसे शॉर्ट में DSPMU भी कहा जाता है, और इसे पहले रांची कॉलेज कहा जाता था, लेकिन अब इसे DSPMU कहा जाता है, और रांची यूनिवर्सिटी वो अलग है। इसके बाद आपको रांची यूनिवर्सिटी का भी कैंपस दिख जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है उसे क्लियर करना चाहता हूं कि रांची कॉलेज और रांची यूनिवर्सिटी दोनों सेम नहीं है। पहले रांची कॉलेज हुआ करता था किसी जमाने में, लेकिन अब वो नहीं रहा, उसे अपग्रेड करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी बना दिया गया है, जिसे शॉर्ट में DSPMU कहा जाता है। तो रांची यूनिवर्सिटी और DSPMU दोनों अलग अलग है, मतलब रांची कॉलेज और रांची यूनिवर्सिटी दोनों अलग अलग है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची और रांची यूनिवर्सिटी दोनों रांची के ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां पर गवर्नर साहब का मतलब राज्यपाल महोदय का यहां पर लगातार कभी न कभी विजिट होता ही रहता है। अब मैं आपको ले चलूंगा वेस्ट कॉलेज का टूर कराने। बहुत सारे बेस्ट कॉलेज है जो फेमस नहीं है, और बहुत सारे फेमस कॉलेज है जो बेस्ट भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा IIMR की तरफ। यह कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, जो रांची का तो टॉप कॉलेज है ही, लेकिन यह नेशनल लेवल का इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कराती है। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा BIT मिश्रा, जो मिश्रा में सिचुएटेड है, जिसे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यहाँ एडमिशन लेना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपकी कैरियर बनने की पॉसिबिलिटी जो है वह बढ़ जाती है। उसके बाद टॉप कॉलेज में से एक है ICFI यूनिवर्सिटी, जो बेहद ही खास है। उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा YBN यूनिवर्सिटी, जो रांची का टॉप कॉलेज में से या फिर यूनिवर्सिटी में से एक है। इसमें से बहुत सारे कॉलेज गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा जो टॉप कॉलेज में से एक है, वह है IIIT, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपको नेशनल लेवल का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक करने होंगे, उसके अलावा आपको बहुत सारे इंटरव्यू फेस करने होंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा SBU रांची, जो सरला बिरला यूनिवर्सिटी रांची है। यहाँ पर भी एडमिशन लेने के लिए आपको हाई लेवल की परसेंटेज, पैसे और बहुत सारे एग्जाम्स भी क्रैक करने होंगे। उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो रांची का फेमस कॉलेज में से एक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, जहाँ पर आपको एग्जाम देने के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड CUJ, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, जामिया है, अलीगढ़ है, उसी तरह से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो रांची का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में से एक है।